माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता दे रही है भारत के प्रगति रथ को गति, और इस प्रगति रथ का अहम हिस्सा है देश के युवा। माननीय प्रधानमंत्री युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं, जिसका एक मजबूत प्रतिबिंब है रोजगार मेला। कुछ ही महीनों में लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना, नियुक्ति पत्र दे देना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 7-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। अब देश में स्थितियां बदल रही हैं, हृदय की गहराइयों से देश की कार्य संस्कृति बदल रही है। 2023 मिशन मोड रिक्रूटमेंट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 12 महीनों में विभिन्न मंत्रालयों व सरकारी विभागों में ग्रुप ए, बी व सी के पदों पर 10 लाख नियुक्तियां की जा रही हैं। ये नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। मिशन मोड रिक्रूटमेंट की मदद से चयन प्रक्रिया कम समय में तेजी से हो रही है। पूर्व में आयोजित रोजगार मेले में प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। मैं अपने पीएम नरेंद्र मोदी सर को धन्यवाद बोलने जाती हूँ, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो है स्टार्ट होके बहुत जल्दी फिनिश हुआ और हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिला उनकी वजह से, और मैं उनको धन्यवाद दूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही जल्द एक ही साल में मतलब ज्वाइनिंग आ चुकी है। अभी इतनी सारी जॉब्स देना, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देना अपने यूथ को, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल्स आर कंडक्टिंग ऑनलाइन कोर्सेज। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ सेल्फ लीडरशिप आई गेन द कॉन्फिडेंस हाउ टू लीड ए टीम। प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद, उन्होंने जो कर्मयोगी भारत मिशन चल किया है वो बहुत ही हेल्पफुल रहा है, और जो स्पेशली डिजाइन मॉड्यूल रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। मिशन मोड रिक्रूटमेंट के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन आज किया गया है, जिसमें 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिससे युवाओं व देश दोनों का भविष्य होगा उज्ज्वल। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन पत्र जारी करने के लिए।